तो हाँ भाई लोग, देख सकते हो ये हमारे इलाके का, मतलब इधर के आसपास के 10 गांवों का सबसे बड़ा पेड़ है। हुआ करता था, अभी है भी, लेकिन थोड़ा बहुत बहुत ही गिर चुका है इसके डाल। और बता दे कि ये पेड़, मतलब बोला जाता है कि बहुत ही मतलब भूतिया है, और इसमें से रात में चुड़ैल उड़ैल बोला करती है। और ये कम से कम 300 350 साल का पेड़ हो चुका है गाजी। बता दे हमारे बाबा बाबा बोला करते थे कि हमारे उनके भी बाबा से पुराना का ये पेड़ है। जो एक हमारे बाबा 120 वर्ष जिंदा थे, अब मर गए, वो बोला करते थे ये 350 साल का पेड़ है। और यहाँ पर पहले इनार हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ आसपास कोई चूरो खरवार नाम का प्रजाति रहा करती थी। अभी उन लोगों को कूड़ने पर मतलब मिल उन लोग की हड्डियाँ या उन लोगों का घर और का मटका वटका सब मिलता उलता रहता है। और ये जो पेड़ की डालियाँ है, कम से कम जो यहाँ पर है, ये वो पोल के पास हुआ करता था। और इसका जो नीचे का जड़ है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है ये। बता दे ये बहुत ही भयानक पेड़ है। रात में इधर कोई भी आता नहीं है डर के कारण, दिन में ही कोई आता जाता है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं गाइज। और ये बहुत ही मतलब रात में यहाँ पर आने पर डरावना होने लगता है मन। और इसके जस्ट बगल में ही काली माँ का मंदिर है, ठीक है गाइज। जस्ट इसके बगल में काली माँ का मंदिर है। जब भी इसका डाल गिरा है, कभी भी काली माँ के मंदिर को छुआ तक नहीं है। यही इसकी खास बात है गाइज, बता दे। और अभी तक से किसी इंसान को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। इसमें बहुत तरह के सांप देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, नेवले खरगोश इसमें छुपे रहते हैं। आसपास थोड़ा सा जंगल टाइप का इलाका है उधर में, उसको बाद में दिखा देंगे। और देखिएगा ये बहुत ही खतरनाक है। रात में इसमें चुड़ैल बोलती रहती है। असल में घोष्ट पे मतलब भूत भूत वूत पे विश्वास नहीं करते, लेकिन बोलते हैं गांव वाले लोग, तो मानना पड़ता है, क्या करे। अभी तो थोड़ा बहुत जल गया है। और इसमें बड़ी बड़ी मधुमक्खियों का छाता लगा रहता है। गर्मियों के दिन में बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ जो किसी की भी जान ले सकते हैं, एक बार भड़क गई तो अभी लगी नहीं है, नहीं तो उस समय लगेगी, तो हम लोग वीडियो बना देंगे उस समय भी। देखिएगा जी बहुत ही लंबा पेड़ है जी, बहुत ही लंबा। अभी तो पूरा गिर चुका है, ये बहुत दूर दूर तक फैला था। ऐसे ही सारे आगे पूरा बसवार टाइप का देखोगा, जो थोड़ा सा जंगल टाइप का है। और ये देखिए ये बहुत ही मोटा, ये अंदर तब का थोड़ा खोखला टाइप का, अंदर कुछ जानवर भी रह सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह का बन लक्कड़ ये सब होते हैं, वो सब जानवर इसमें रहते हैं। और देखिए भाई कितना लंबा पेड़ है।